Avengers Hair and Makeup Academy, Mumbai. अभी हम आते हैं ब्लॉन्डर के ऊपर. ब्लॉन्डर या फिर प्री लाइटनर, एक ही चीज है. इधर ब्लॉन्डर बोलो या फिर प्री लाइटनर बोलो. जैसे होता है आपकी स्किन के लिए ब्लीच, वैसे बालों के लिए ब्लॉन्डर या फिर प्री लाइटनर. अभी ये कब हम यूज करते हैं ब्लॉन्डर, उसको कब यूज कर सकते हैं हम? जो काम आपका कलर और डेवलपर के साथ में नहीं हो रहा, जैसे कि लिफ्टिंग आपका जो कलर है, जैसे हमने देखा 40 वॉल्यूम 3-4 लेवल तक लिफ्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो तब आपको यूज करना है ब्लॉन्डर या फिर प्री लाइटनर. ठीक है, अभी ये जो है ब्लॉन्डर, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल. ये केमिकल करता है 10 लेवल तक लिफ्ट. 10 लेवल तक लिफ्ट मतलब ये लिटरली आपके कॉर्टेक्स में जाके आपके जो कलर पिगमेंट्स है उसको खत्म भी कर सकता है. दिस इज दैट स्ट्रॉन्ग. तो सोचो, जो चीज इतनी स्ट्रॉन्ग है केमिकली, तो ये चीज आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा कोई हेल्दी नहीं है या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. ये जो है आपके बालों को ड्राई भी कर सकती है और डैमेज भी कर सकती है, पूरी तरीके से जला भी सकती है अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो. अभी ब्लॉन्डर आपको कब कब यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है. ओके, सबसे पहले जब आपने ग्लोबल कलर किया हुआ है ऑलरेडी, भले वो प्रोफेशनल हो, तभी भी आपको ब्लॉन्डर का यूज करना है. अगर आपको 3-4 लेवल लिफ्ट करना है और क्लाइंट ने ग्लोबल ऑलरेडी किया हुआ है, भले वो प्रोफेशनल कलर हो, तभी आपको ब्लॉन्डर यूज करना है. अगर आपको डिजायर्ड कलर चाहिए तो, रूट टचअप कर रहे हो तब, या फिर डाई हेयर हो या फिर हिना हेयर हो. अभी हिना हेयर पे जब आप करते हो, जब आप ब्लॉन्डर यूज करते हो, तो उसका रिजल्ट जो आता है वो कॉपरिश में आता है. क्यों? क्योंकि हिना का कलर ऑलरेडी है और हिना क्या करता है, कोट करता है बालों को. तो क्या करता है, कई बार वो जो कोटिंग है आपका जो ब्लॉन्डर है वो इजीली ब्रेक नहीं कर पाता कई बार, इसीलिए वो एक तो अनइवन हो जाता है या फिर आपका जो कलर है वो रेडिश टोन में आ जाता है, कॉपर टोन में आ जाता है. सो हिना किए हुए बालों को आप लोग कर सकते हो, लेकिन कॉपर टोन आएगा ही आएगा उसमें. जो रेड है, हिना का रेड है, उसमें मिक्स होके वो कॉपर टोन देगा. अगेन फिर डाइड हेयर, आपके अगर बालों को डाई किया गया हो तो उसके ऊपर आपको ब्लॉन्डर ही यूज करना है. फिर भी वो अनइवन रहेगा, बिकॉज हमें पता नहीं वो डाई कहाँ पे इतनी डीप है. कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट सालों से डाई करता आया हुआ है, तो उनको अगर कोई लाइट कलर चाहिए या उनको अगर आपको हाइलाइट्स देने हैं, तो आपको ब्लॉन्डर का ही यूज करना होगा. अभी डाई कलर पे आप लोग ब्लॉन्डर यूज कर सकते हो क्या नहीं, कर सकते हो, ट्राई करके देख लीजिए, बट चांसेस बहुत कम है. डिपेंड करता है कितने सालों से वो डाई किया हुआ है. कई बार क्या होता है, बहुत सालों से वो करते आ रहे होते हो, इतनी कोटिंग पे कोटिंग होती है तो अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाता आपका जो ब्लॉन्डर है, वो भी नहीं कर पाता इतना स्ट्रांग होने के बावजूद. सो इमेजिन डाई कलर्स कितने स्ट्रांग होंगे. अगर मैं एग्जांपल दूं तो डाई कलर आप बोल सकते हो, कलर में सीमेंट मिक्स करने के बाद में जो इफेक्ट आएगा वो आता है. क्यों? वो अंदर कॉर्टेक्स में भी भर जाता है, आपके जो कोटिंग है उस पर भी, उससे आपके बाल भी बहुत डैमेज होते हैं. इमेजिन एक कोटिंग करी हुई है ना आपके नेचुरल बालों पे, उसकी जो मॉइस्चर है, उसका जो नेचुरल जो लुक है, वो निकल जाता है पूरा डाई कलर से. सो डाई कलर आर द वर्स्ट कलर्स. सो उस पर आप लोग कभी चांस लो ही मत. अगर आपके पास में ऐसा कोई क्लाइंट आता है कि मुझे डाइड बालों पे करना है, हाइलाइट्स करने हैं, ये करने, उनको बोल दो भैया सॉरी हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके एक तो खराब बाल हैं, दूसरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा यू आर नॉट श्योर. जरूरी नहीं है कि आएगा ही, अगर आएगा ही, आएगा भी तो भी बहुत पैची होगा, वो अनइवन होगा बहुत, एंड दूसरा वो बालों को ऑलरेडी खराब किए हुए बालों को और खराब कर देगा. तो क्या होगा, आपकी सर्विस खराब हो जाएगी, आपका नाम खराब हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी. बेटर ऐसे क्लाइंट्स को अवॉइड कर दो, उनको बोलो आपने डाई किए हुए हैं बालों, उस पर आपके हाईलाइट्स नहीं हो सकते. अभी हाउ टू मेक अ सॉफ्ट ब्लॉन्डर, व्हाट इज अ सॉफ्ट ब्लॉन्डर.
ठीक है, एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। आपके क्लाइंट पे ऑलरेडी प्रोफेशनल कलर किया हुआ है, हाँ ग्लोबल प्रोफेशनल कलर किया हुआ है, जैसे कि 4 नंबर का कलर किया हुआ है और उसको आपको लेके जाना है 7 नंबर पर। अभी 3 लेवल लिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप 10 नंबर की ट्यूब लोगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा ब्लॉन्डर यूज कर दोगे, मिक्स करोगे 40 वॉल्यूम के साथ में, तो क्या हो जाता है आपका जो डिजायर कलर है वो भी आ जाता है और आपने कम्प्लीटली ब्लॉन्डर भी नहीं यूज किया। क्यों, आपने कलर के साथ में यूज किया तो वो सॉफ्ट हो गया, वो इतना डैमेज नहीं करेगा जितना एक पूरा प्रॉपर ब्लॉन्डर यूज करके होगा उतना। सो इट इज अ सेफ थिंग। अगर ज्यादा आपको लिफ्टिंग करनी है तो उसका प्रोपोर्शन जो है आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब 50% कलर और 50% ब्लॉन्डर आपको मिक्स करके 40 वॉल्यूम के साथ में कर सकते हो। ये आपका ट्रायल एंड एरर के साथ में ही होगा, एक्सपीरियंस के साथ में ही आपको पता चलेगा कि कितने लेवल कितना हो सकता है। ये जो दे रही हूँ मैं, ये आइडिया दे रही हूँ, ये डिपेंड करता है आपके बालों के ऊपर भी कि आपके बाल फाइन है या थिक है या मीडियम है उसके ऊपर भी, और कलर क्या है और आपको कौन से डिजायर्ड लेवल पे आपको लेकर जाना है उस कलर को। अभी सॉफ्ट ब्लॉन्डर के बाद में एक और ट्रिक है कि आप लोग अपने बालों को कैसे बचा सकते हो ब्लॉन्डर यूज करके भी। अभी सॉफ्ट ब्लॉन्डर के बाद में एक और तरीका है आपके बालों को बचाने का, आप ब्लॉन्डर को 20 वॉल्यूम के साथ में यूज कर सकते हो। 20 वॉल्यूम के साथ में यूज करोगे सबसे कम डैमेज होगा, फिर बाद में 30 वॉल्यूम से यूज करोगे थोड़ा और ज्यादा डैमेज होगा लेकिन ज्यादा लिफ्टिंग भी होगी, एंड 40 वॉल्यूम से यू नो कि सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है बाल वो 40 वॉल्यूम के साथ में ब्लॉन्डर के साथ मिक्स करके होता है। एंड इसका मिक्सिंग रेशियो, जो तीनों का मिक्सिंग रेशियो जो होता है वो होता है 1:2:2। लेकिन अभी हम अगर बोले कि फिर हम 40 वॉल्यूम यूज क्यों करें, अगर हमें इतना पता है कि ये डैमेज होने वाला है तो हम ये क्यों यूज करें, क्या होता है ना आपके पास भी ऑप्शन नहीं बचता 40 वॉल्यूम यूज करने के अलावा। 40 वॉल्यूम आप कब यूज करोगे, जब क्लाइंट को पेलेस पे जाना है, क्लाइंट को सबसे लाइट जाना है, 4 नंबर पे है क्लाइंट का बाल और उनको 10 नंबर पे जाना है, तो आपको 40 वॉल्यूम के साथ में ब्लॉन्डर यूज करना ही पड़ेगा। या फिर आपको फैशन कलर्स यूज करने हैं जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, पर्पल है, वॉयलेट है, ये कलर्स करने हैं जिसको हम फैशन कलर्स बोलते हैं, बोल्ड कलर्स करने हैं, उसके लिए आपको पहले प्री लाइटनिंग करके पैलेस तक जाना होता है, उसके बाद में ये कलर्स डिपॉजिट होते हैं। ओके, तो जब ये दो ऑप्शंस हैं, जब आपके पास में कोई चारा नहीं बचता करने के अलावा, आपको 40 वॉल्यूम ही यूज करना पड़ता है जब क्लाइंट को पैलेस पे जाना है और जब क्लाइंट को कोई और फैशन शेड डिपॉजिट करनी होती है अपने बालों पे। मैं एक और पॉइंट याद रखना कि ये जो है ब्लॉन्डर 40 वॉल्यूम के साथ में ग्लोबल कलरिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं करोगे आप, बाल लिटरली बहुत डैमेज हो जाएंगे, जल जाएंगे, स्कैल्प तो बिल्कुल ही ना, ये हमेशा याद रखना, स्कैल्प पे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। ये जो है ब्लॉन्डर आप लोग हाइलाइट्स के लिए ही यूज कर सकते हो, अनलेस क्लाइंट बहुत जिद्दी है और क्लाइंट को एकदम पूरे बालों पे पैलेस पे जाना है। लेकिन इसके आपके ड्रॉबैक्स आपको बताने पड़ेंगे कि ये इससे बाल बहुत डैमेज होंगे, बहुत ड्राई होंगे, तभी आपको ये सारी चीजें अपने क्लाइंट्स को पहले ही बतानी पड़ेंगी। सिर्फ आप लोग हाइलाइट्स के लिए ही यूज करो, ग्लोबल के लिए ये मत यूज करना कभी भी, और स्कैल्प के लिए तो एकदम ही नाना। अभी हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लॉन्डर की। जैसे हम ब्लॉन्डर लगाते हैं डार्केस्ट बालों पे, अभी हम बात करेंगे डार्केस्ट से लेके पेलेस तक। ये जो प्रोसेस होती है ब्लॉन्डिंग की वो स्टेजेस में होती है। ओके, इसके 7 स्टेजेस हैं ब्लॉन्डिंग के। सबसे पहले स्टेज आपको दिखेगा वो है ब्लैक। क्यों, ब्लैकेस्ट बालों पे स्टार्ट करके 1 नंबर बाल पे स्टार्ट करेंगे हम, तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी, ब्लैक। उसके बाद में क्या आएगा, ब्राउन। ओके, उसके बाद में आएगा रेड, रेड के बाद में आएगा रेड गोल्ड। ओके, उसके बाद आएगा गोल्ड, उसके बाद आएगा येलो, उसके बाद आएगा पेलेस्ट येलो। ये क्या है, ये स्टेजेस कैसे होती हैं, जैसे जैसे आपके पिगमेंट्स निकलते जाते हैं ये आपके बाल इस कलर में आते जाते हैं। दैट इज वाई वी कॉल इट द स्टेजेस ऑफ ब्लॉन्डिंग। याद रखना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, रेड गोल्ड, गोल्ड, येलो एंड पेलेस्ट
येलो। आपको अगर कलर डिपॉजिट करना है, फैशन कलर डिपॉजिट करना है, या यू नो जैसे कि ब्लू कलर या ग्रीन कलर या वॉयलेट कलर, ऐसे कोई कलर आपको जब डिपॉजिट करने हैं तो आपको पेलेस्ट येलो पे आना पड़ता है, एंड फिर उसके बाद में आपकी जो होगी डिपॉजिटिंग होगी इस स्टेज के बाद में। सो द फर्स्ट स्टेज इज ब्लैक एंड द लास्ट स्टेज इज पेलेस्ट येलो। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कलर से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो कीप रॉकिंग, हैव फन, ऐसे ही क्लास को एंजॉय करते रहो। सी यू सून, बाय बाय।